राजकीय महाविद्यालय चंबा के प्लेसमेंट एंड करियर गाइडेंस सेल एवं जिला रोजगार कार्यालय चंबा के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। ये आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार की उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना के तहत किया गया। इस आयोजन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विधि का प्रयोग करते हुए 1000 युवाओं ने रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया। इस आयोजन के लिए बुलाई गई 20 में से 15 कंपनियों ने भाग लिया। जॉब फेयर के दौरान 305 युवाओं को भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए प्लेसमेंट देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। जॉब फेयर का उद्घाटन विधायक चंबा सदर पवन नैयर ने किया। विधायक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट पर अति महत्वपूर्ण है, मगर इससे भी महत्वपूर्ण युवाओं का प्लेसमेंट है और यही वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। शर्मा जी मेरे साथ आए हुए हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी और जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान जी, डॉक्टर सलारिया जी, ब्रह्मण पंचायत के प्रधान हमारे अत्री जी और हमारे किड्स इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हमारे सुरेंद्र शर्मा जी और 21 कंपनियों के आए हमारे अधिकारीगण और डिग्री कॉलेज के पूरा स्टाफ मेरे साथ आए हुए हमारे प्रेस के बंधु और जितने यहाँ पर युवा लड़के भी यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य जी का और चौहान जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं शिमला में था और इन्होंने कहा कि जरूर आना है आपने, तो कल मैं रात को मेरे कल 11:30-12 बजे तो आज मैं यहाँ। इसके बाद मेरे एक और फंक्शन है मेरे केंद्र में भी है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो समस्या है ये बड़ी जटिल समस्या है बेरोजगारी। और आपने देखा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है और भारतवर्ष भी से छूता नहीं। और सबसे ज्यादा तो ये जो हमारे बेरोजगार हमारे दोस्त अब जा रहे सबसे ज्यादा इफेक्ट तो ये हुए हैं, और तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई है ये हमारे बेरोजगारी लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए चलाई है। और इसी संदर्भ में आज जो 21 कंपनियां जो यहाँ पर आई हुई है, मेरा भी इनसे अनुरोध है कि मेरे घर 3-4 हजार लोग रख रहे हैं। जैसे चौहान साहब ने कहा कि अगर आपको कोई लोग नहीं मिलता यहाँ पर तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कई बार लोग नहीं आते क्योंकि हमारा इलाका बड़ा दूर दूर से है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हर एक माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा ठीक पढ़ जाए, ठीक जगह नौकरी में लग जाए, तो हमारी भी पूरी कोशिश है। माने मुख्यमंत्री अभी इसमें सेशन में भी इन्होंने 5000 से ऊपर नौकरी जो पीडब्ल्यूडी में निकाल दें, पीछे इन्होंने 4000 पोस्टें आईपीएच में रखी थी, अभी मैं 5-6 हजार पोस्टें और निकाल दें आईपीएच में और उसके बाद लेक्सिटी बोर्ड में निकाल दें, हॉर्टिकल्चर में निकाल दें। तो माने मुख्यमंत्री पूरी सिंसेयर है इस बारे में कि लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। और इसके दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।